आप पहले इस हाथ को लीजिए, सो इट इज ऑलवेज एन अटैक। Are you facing problem while doing a low block? Which martial arts style you are learning? Are you from Taekwondo, or Karate, or Kung Fu, or Nyu? The pattern of low block is always same in every martial art. So are you facing problem in doing the low block? If yes, then this video is absolutely for you. Please check out the video. Pranam. World Hindu Federation में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने वीडियो का इंट्रो देखा है, आपको समझ में आ गया होगा। आर यू फेसिंग प्रॉब्लम इन डूइंग अ लो ब्लॉक? बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट को यही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लोअर ब्लॉक सब मार्शल आर्ट के प्रथम श्रेणी ब्लॉक में जाता है, पर बहुत मार्शल आर्टिस्ट या बहुत प्रैक्टिशनर को लोअर ब्लॉक ठीक से करना नहीं आता। रीजन ये है कि उन लोग वो किनेसियोलॉजी और इसका लॉजिक समझ नहीं पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो से जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। आपने ज्यादातर देखा होगा कि लोअर ब्लॉक कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, बहुत बार प्रैक्टिशनर बहुत गलती कर देते हैं लोअर ब्लॉक में और ज्यादातर उनको ब्लॉक करने के बाद वो चोट खा जाते हैं। तो लोअर ब्लॉक होता किस तरह से? ज्यादातर आपको लोअर ब्लॉक इस तरह से दिख रहा होगा कि ये ऐसा है, बट ऐसा नहीं है लोअर ब्लॉक। सो हाउ टू डिलीवर ए लोअर ब्लॉक परफेक्टली? तो आपको करना क्या है, आपको सीधा खड़ा होना है, एक हाथ को नीचे लेना है और दूसरे हाथ को अपने कंधे के इस जगह से लेना है। तो जब आप इसको यहां से लेंगे तो ये हाथ आपका इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, और यहां से आपको वही जगह पे जाके ब्लॉक को वहां रोकना है, ठीक है, और ये साइड में वैसा होगा सेम। ये हैंड को इस तरह से आपको शिफ्ट करना है और ये यहां लेना है, और ये जहां पे है आपको उसी जगह पे ब्लॉक करना है। सो इट गोज लाइक दिस, यू आर ट्राइंग टू ब्लॉक समथिंग लाइक दिस, लाइक पेंडुलम क्लॉक इज मूविंग इन अ टिक टॉक मैनर। आपको पहले ये ब्लॉक करना है और ये जाएगा, फिर आपको इधर वही ब्लॉक करना है, ठीक है। तो सो लेट मी गिव एन एग्जांपल हाउ टू डू दिस। सपोज आपके सामने एक ओपोनेंट है एंड ही इज ट्राइंग टू पंच यू, आपको क्या करना है? पहले लाइक दिस, ये पहले जाएगा, फिर वो हाथ से मार रहा है, फिर वो हाथ से मार रहा है। इसका और एक भी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि सपोज एन ओपोनेंट इज देयर। आप बहुत सारे प्रैक्टिशनर को ये लगता है कि ये ब्लॉक तो सिर्फ ब्लॉक है, बट ब्लॉक इज ऑलवेज एन अटैक। जब मार्शल आर्ट बनाया गया, जब इवॉल्व किया गया, मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स नहीं था, ये फाइटिंग आर्ट है, तो इसमें जब ब्लॉक यूज होता है तो अटैक भी रहता है। तो एक्चुअल ब्लॉक किस तरह अटैक हो सकता है? सपोज आप ऐसे खड़े हैं कि कोई आ रहा है आपको अटैक करने के लिए, आप पहले इस हाथ को लीजिए, सो इट इज ऑलवेज एन अटैक, ठीक है। तो ये हाथ आपका पहले हिट पर है, इट गोज लाइक दिस, और एक बार दिखाता हूं। सो ये पेंडुलम की तरह जा रहा है, हिट हो रहा है, तो यही है आपका टेक्निक ब्लॉक करने का। आपको समझना है और इसको हर दिन प्रैक्टिस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आई अप्रिशिएट। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, एवरीडे प्रैक्टिस कीजिए, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे आपका स्किल बढ़ेगा। जाने से पहले इससे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, प्रणाम।